साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर के कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारी संप्रभुत्व अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष के आरोप पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, उनका इतिहास है, वे जो कहते हैं वे करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह ने कहा कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। इसको और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है, मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। तो सीएए के तहत नागरिकता देने का पहला मामला सामने आया है। पाकिस्तान से आकर गुजरात के मोरबी में बसने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है। आपको बता दें कि सभी शरणार्थियों को दिया गया नागरिकता प्रमाण पत्र और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो नागरिकता देने का पहला मामला भी सामने आ गया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें देखिए 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है और सभी शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है। तो पाकिस्तान से आकर गुजरात के मोरबी में बसने वाली 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता